बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। डेली मोहम्मद चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि जब जिस्म में तकलीफ़ हो तो इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ बताई है, आप पढ़कर दम करें तो आप ठीक हो जाएंगे। उससे पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली वीडियो आप दोस्तों तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनके जिस्म में इस्लाम लाने के वक्त से दर्द रहता था। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके जिस हिस्से में दर्द है इस पर हाथ रखो और तीन मरतबा कहो बिस्मिल्लाह, फिर सात मरतबा أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر, क्या है? أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر, मैं अल्लाह के जलाल और इसकी कुदरत की पनाह तलब करता हूँ इस बीमारी के शर से जो मुझसे इस वक्त लाहक है और जिसके आने का खदशा है। सही मुस्लिम की हदीस है। आप दोस्त भी ये अमल कर सकते हैं क्योंकि इसकी इजाज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी है। तवज्जो के साथ ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी और इस वीडियो को आपने आगे ज़रूर शेयर करना है।